फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नामिकास कुक बुक। आज मैं लेके आई हूँ, देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट दूध का हलवा की रेसिपी। देखिए, देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, उतना ही स्वादिष्ट ये खाने में आप चाहे तो इसे व्रत के दिन भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो हम व्रत के दिन नहीं खाते। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने बनाई दूध का। दूध का हलवा बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे कोई भी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या फ्राई पैन। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिए। अब इसमें डाल देंगे हम 1 लीटर दूध। दूध आप फुल क्रीमी लें तो मैं यहाँ डाल दूँगी 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 लीटर दूध। दूध को हम उबलने देंगे। ये देखिए, दूध को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो गए और 10 मिनट में ये आधा हो गए। खुले बर्तन पे करने पे ना जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। जब दूध आधा हो जाए, 50% हो जाए रिड्यूस होके, तब हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 लीटर दूध में हम डालेंगे 200 ग्राम पनीर। मैं यहाँ पनीर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इंस्टेंटली बना रही हूँ, जल्दी झटपट वाला। दूध को आप फाड़ के उसका छेना बना के उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी होता है ना कि हमारा दूध फट जाता है तो वो उससे जो छेना निकलता है उसका भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पनीर हम डाल रहे हैं कद्दूकस करके, और अब पनीर के साथ भी हम इसे पकाएंगे। अब आँच को तेज कर लेंगे। तेज करके ध्यान रखें कि आँच को तेज करके गैस को छोड़ के नहीं जाना। और जल्दबाजी में बनाना चाहते हो तो दूध को गाढ़ा करने के लिए ना आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें घोल के डाल सकते हैं, या फिर 1 ब्रेड का स्लाइस लेके, ताज़ा ब्रेड लेके, उसे भी मिक्सी में पीस के डाल सकते हैं, ग्राइंड करके डाल सकते हैं। दूध हलवा बनाने के लिए जो भी सामग्री मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं मैंने क्या लिया और कितना लिया। तो इसको पका लेंगे। पनीर डालने के बाद मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट पका लिया है, और ये देखिए थोड़ा और गाढ़ा हो गया है और पनीर भी थोड़ा इसमें पक के सॉफ्ट हो गया है। हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच चीनी। 2 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ मैं। चीनी आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ। 2 चम्मच से ही ये बहुत अच्छा मीठा हो जाएगा। अब चीनी डाला है हमने तो चीनी पानी छोड़ेगा और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर हो गया। चीनी डालने के बाद भी हम थोड़ी देर और पका लेंगे इसको। ये देखिए, चीनी डालने के बाद भी लगभग 2 मिनट मैंने इसे तेज आंच पे ही पका लिया है। ये देखिए फिर से ये गाढ़ा हो गया, इस तरीके का टेक्सचर आ गया इसका। ये देखिए, अब हलवे को क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम ऐड कर देंगे यहाँ पे क्रीम। मैं आधा कटोरी ले रही हूँ, घर में जो दूध होता है ना उसी की मलाई मैंने निकाल ली है। दूध उबाल के रखते तो उसके ऊपर जो मलाई होती है, इसकी जगह आप अमूल का फ्रेश क्रीम जो आता है ना उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको भी हम मिलाएंगे इसके साथ, इससे हमारे हलवे में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। और बस थोड़ी देर, जस्ट 1 मिनट और हम इसे पका लेंगे क्रीम के साथ भी। ये देखिए, क्रीम डालने के बाद भी लगभग 1 से 2 मिनट मैंने इसे पका लिया है और इसका टेक्सचर इस तरीके का आ गया है। ये देखिए हलवा हमारा तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम 2 हरी इलायची। मैंने इस तरीके से दरदरा कूट के ले लिए, फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इसको भी हम मिला देंगे और ये देखिए कितना गाढ़ा है। ठंडा होने के बाद अभी ये और गाढ़ा हो जाएगा। लीजिए, हमारा हलवा तैयार है, चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। लीजिए, हमारा दूध का हलवा बन के तैयार है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो देखिए टेक्सचर कितना अच्छा हो गया इसका। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हमारे हलवे का। ये देखिए, और इसे चिल्ड या गर्मा गर्म किसी भी तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ा चिल्ड किया है, ये देखिए। अब थोड़ा सा इसे हम गार्निश कर देंगे बादाम से, कटे हुए बादाम से मैं गार्निश कर रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इस पर पिस्ता ताकि इसका लुक और अच्छा हो जाए। और लीजिए, हमारा दूध का हलवा बनके तैयार है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, ठंडा या गर्म किसी भी तरीके से सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। मिलते हैं ऐसे नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग।